इधर हम दूर में बैठे हुए थे, देखने से लगा कुछ पढ़ा लिखा आदमी है, किताबी ज्ञान होगा, भाषाविद होगा, विवेक मरा हुआ था। शकल से लगा कि पढ़ा लिखा आदमी है। कुआं पर स्नान किया, कुआं के बगल में ही वो रामनवमी वाला बांस था। इधर भी रहता है क्या? रखता है, समझदारे लोग हैं तो भला। कुआं के बगल में ही रामनवमी वाला बांस खड़ा था, कपड़ा तो उब गया था हवा के साथ, कौआ मैना के पैखाना से बांस भी डिस्कलर हो गया था। वो आदमी स्नान किया परंपरा का मारा हुआ, और स्नान करने के बाद आधी धोती कमर में, आधी धोती गर्दन में, और दोनों अंगूठा को जनों में फंसा दिया, अलगा परिक्रमा करने वो बांस की, वो रामनवमी वाला बांस की परिक्रमा करने लगा बेचारा। और कुछ लगा कि मंत्र भी जप रहा है, बुदर बुदर कुछ बोल रहा था। तीन चार बार परिक्रमा करने के बाद हृदय के भाव को अभिव्यक्त कर दिया कि हे हनुमान जी, मैट्रिक की परीक्षा में गणित की कॉपी बेटे की कमजोर हो गई है। हम कहा तो ये बांस उस पर मुंह रगड़ेगा क्या? गणित की कॉपी कमजोर चाहिए तो बांस क्या करेगा उसको? तुम्हारा दिमाग कहीं शुद्ध भरना में है क्या? ये जड़ता है। कहीं दर्द रह रहा है, गिर गया ना, आदमी की नियति बन गई, ऊपर की तरफ हाथ उठाएगा, ऊपर वाला जाने, नीचे वाला जाने, बाएं वाला जाने, केवल हम नहीं जाने, जिसको जानना चाहिए वो जानने के लिए तैयार नहीं है।